हरे कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को। और इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी संदेश है जो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में एक तात्पर्य में लिखा है। ये है 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में, और इसको कोट किया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को, जिसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि देवकी जो है वो भक्ति देवी के समान है, और जो उनके 6 पुत्र कंस द्वारा मारे गए थे वे हमारे 6 अनर्थों के समान हैं। क्या है वो 6 अनर्थ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य, ईर्ष्या। ये जब तक गंदगियां हैं तब तक भगवान कृष्ण हमारे हृदय में अवतार नहीं लेंगे। और इनको मारा था कंस ने, तो प्रतीक रूप में कंस जो है वो भय है। एक शुद्ध भक्त हमेशा भौतिक प्रकृति से भयभीत रहता है कि कहीं वो दूषित ना हो जाए, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि अनर्थों से दूषित ना हो जाए। और जब वो इस प्रकार से भयभीत रहता है और अपने साधना में बहुत ध्यान देता है और हमेशा रजोगुण तमोगुण से बचने का प्रयास करता है, तो ये जो भय है ये इन 6 अनर्थों को मार डालता है, जिस प्रकार कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया था। उसके बाद भगवान कृष्ण उस शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं, जिस प्रकार देवकी के 8वें संतान रूप में प्रकट हुए थे। तो इस जन्माष्टमी को हम सभी अच्छे से साधना करें, केवल जन्माष्टमी नहीं पूरे साल भर, ताकि भगवान श्री कृष्ण हमारे स्वच्छ हृदय में अवतरित हों, हमारे स्वच्छ हृदय में दर्शन दें हमें, और हमेशा हमारे हृदय में हमसे सेवा स्वीकार करते रहें। तो इसी के साथ आप सभी को शुभ जन्माष्टमी। हरे कृष्णा।